बाढ़ में पढ़ाने का भूत सवार हुआ है। आज इसी पानी में मास्टर जी को नहीं डुबोया तो मेरा नाम राजू नहीं, मुझे भलोता है मेरे दोस्त, तुम्हारा नाम बुलंद रहेगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। घंटा का गुड मॉर्निंग। अरे राजू बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? आप जले पर नमक जो छिड़क रहे हो। मैं कहाँ जले पर नमक छिड़क रहा हूँ, अब मैंने तो बस गुड मॉर्निंग ही कहा है। जब मॉर्निंग से पानी में बैठे बैठे चूतड़ फूल गया हो तब ये गुड कैसे हो सकता है? भाई लादू, वैसे पानी में बैठे रहने का फायदा है कि तूतू कर ले बाहर डालने की जरूरत नहीं होती है, यहीं बैठे बैठे ही कर लो। अबे साले, यहाँ पानी में जहरीले सांप और बिच्छू का डर है और तुझे सुसु करने की पड़ी है। कर सुसु, कर। अरे अरे, अब ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो और पढ़ाई की बात करते हैं। आप पढ़ाई लिखाई की तो बात ही मत करो सर, इस बाढ़ के समय हमें पढ़ा कर आखिर क्या उखाड़ लोगे आप? अभी बाढ़ से जान बचना मुश्किल है और इन्हें पढ़ाने की पड़ी है। लेकिन राजू बेटा, उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है ना। देखो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करके आया हूँ, नाव में बैठकर पतवार चला के आया हूँ। तो हम कौन से हेलीकॉप्टर में उड़ के यहाँ आए हैं? तुम कैसे आए राजू बेटा? अपना केला पकड़ कर। क्या? ये कैसी बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं केले का थंब पकड़ कर तैरते हुए आया। वाह वाह, स्कूल आने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, ये जानकर बहुत खुशी हुई राजू बेटा। जब किसी की फटती है ना तो ऐसे ही दूसरों को खुशी मिलती है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम लोगों का शुभ चिंतक हूँ। है छोड़ो, अब बेटा बबलू तुम कैसे आए? तल तल, मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं भैंत पल ही बैठ कर आ गया। ये कैसे संभव है? कोई अपने अकल पर कैसे बैठ सकता है भला? मैं भैंत की बात कर रहा हूँ, अकल की नहीं। तुम्हारे अकल और भैंस में कोई अंतर नहीं है। ए, तुम दोनों लड़ो मत, लड़ो मत। अच्छा शीला बेटे, तुम कैसे आई? सर, मैंने तो अपने गुब्बारे में हवा भरी और उसी को पकड़ कर आ गई। हैं? लेकिन तुम्हारे गुब्बारे में हवा किसने भरी? मैंने खुद से हवा भरी थी। अच्छा शीला, जाते समय मैं तुम्हारे गुब्बारे में हवा भर दूंगा। हाँ? कोई जरूरत नहीं है, ये काम मैं खुद कर लूंगी, तुम अपनी सोचो। उसी का तो जुगाड़ लगा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? मैं यही कह रहा था कि तुम जाते समय अगर अपने गुब्बारे पर मुझे भी लिफ्ट दे देती तो मैं भी गंगा पार हो जाता। ठीक है ठीक है, मेरा गुब्बारा बहुत बड़ा है, तुम भी साथ में चलना। अले भाई लादू, तुमने पैंट नहीं पहना है क्या? कैसी बात कर रहा है बे तोतले? मैंने पैंट और कच्छा दोनों पहन रखा है। फिर मेरे हाथ में कुछ अजीब तीर कहती है, निकाल कर बाहर तो देख आखिर वो है क्या। अरे भैया, ये तो सांप है। अबे ये कहाँ से आ गया? जल्दी फेंक जल्दी, नहीं तो डस लेगा। ये क्या किया रे बबलू? अरे भैया मर गया। पानी में क्लास लोगे तो ये सब तो होगा ही, किसी के पेंट में सांप घुसेगा तो किसी में बिच्छू। ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। वाह रे बिच्छू, तुमने तो मेरी मुराद ही पूरी कर दी। मुझे डर लग रहा है और तुम्हें शरारत सूझ रही है। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। छोड़ मुझे, नीचे उतार। अरे यार, इस खुजली ने तो परेशान करके रख दिया। क्या हुआ ताल, इतनी मेहनत से अपना पितवाला क्यों कुदला ले हो? खुले में हगने गए होंगे, मच्छर ने काट लिया होगा। अबे चुप कर, मुझे खुजली हो रही है और तुझे शरारत सूझ रहा है। आपको खुजली तो होनी ही चाहिए, इस बाढ़ में क्लास लेने की खुजली जो हो रही थी। कुछ अच्छा भी बोल ले। आगे मैया, पता नहीं क्या घुस गया, दर्द भी हो रहा है। सर, एक बार निकाल कर भी तो देखो क्या है जो आपसे मजे ले रहा है। अभी देखता हूँ। अरे सर, ये तो जोंक है जो आपका खून चूस रहा था। घर में बीवी कम थी क्या जो भगवान ने खून चूसने के लिए इस जोंक को भेज दिया? ये लो,
कुंभकर्ण को उठाने मेंढक आ गया। ले भाई, कुंभकर्ण तो नहीं उठा लेकिन ये मेंढक तुम्हारे तिल पर बैठ गया। अबे मेरी फटी पड़ी है और तुझे हंसी आ रही है। हटा इस मेंढक को मेरे सर से, हटा इसे। लादू अब वो मेंढक भाग गया, देखा मेला कमाल। मेंढक तो भाग गया पर तूने जो ये मेरे सिर पर कुतुब मीनार उगा दिया उसका क्या? ये कुतुब मीनार नहीं है राजू बेटा, ये तेरे पापों का फल है। लेकिन सर जब से आप आए हैं और क्लास शुरू हुई है तब से एक अजीब सी बदबू आ रही है। सर हैं ही इतने घटिया किस्म के इंसान, जहाँ जाते हैं बदबू ही फैलाते हैं। ये कैसी बात कर रहा है बे? और नहीं तो क्या, देखो कैसी सड़ी गली सी बदबू आ रही है आपसे। राजू ठीक कह रहा है सर, किसी आधे जले और सड़े हुए चीज जैसी बदबू आ रही है। लेकिन मुझे तो ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही है। जिसका कैरेक्टर ही खराब हो, मेरा मतलब है कि जो खुद बदबू से भरा हो उसे कैसे बदबू आ सकती है भला। वैसे सर आप स्कूल कैसे आए थे? मुझे कुछ नहीं मिला तो पास से कुछ गट्ठर सा बहते देख मैंने उसी को पकड़ लिया और उस पर चढ़कर तैरते हुए आ गया। कैसा गट्ठर, कहाँ मिला आपको? वो झाकर कट्टी के पास जो मुर्दा घर है ना, उसी के पास से गुजर रहा था। क्या? इसका मतलब आप किसी मुर्दे पर तैर कर आए हो क्या? राजू ठीक कह रहा है सर, आधे जले और सड़े हुए चीज जैसी बदबू आ रही है। क्या? इसका मतलब अब मैं अभी जिस गट्ठर पर बैठा हुआ हूँ अब वो असल में एक अधजली लाश है। हाँ अब तो आपको गंगा स्नान कराना पड़ेगा। हले लादो अभी बाल के तमय तो हर जगह गंगा ही गंगा है, तल को यही स्नान करा देते हैं। तेरा टकला भले ही बंजर हो लेकिन कभी कभी काम की बात कर ही लेता है। आओ सब मिलकर सर को शुद्ध करते हैं।